के बाद आप सबका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको कंपैरिजन दिखाया था जियोनी E7 और ओप्पो N1 का, जिसमें से अब हम रिव्यू करेंगे एक फोन को। चाइनीज कंपनी जियोनी उन कंपनीज में से है जो अपने होम टाउन में छाने के बाद इंडिया में अपना पैर जमाना चाहती है, और इंडिया में पैर जमाने के लिए जियोनी काफ़ी टाइम से अच्छे फोन्स लॉन्च कर रहा है। उनमें से एक हाई एंड फोन है जिसने लॉन्च होते ही इंडियन मार्केट में धमाल मचा दिया था और दूसरे पावरफुल फोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिया। ये फोन है जियोनी E Life E7, जिसे हम आज रिव्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू और देखते हैं कितना पावरफुल है ये फोन। सबसे प्राइमरी चीज फोन की होती है वो है उसकी लुक्स, और जियोनी के इस फैबलेट E7 की लुक्स की बात करें तो लुक वाइज ये काफी अट्रैक्टिव है। अगर आप ध्यान से इस फोन को देखेंगे तो ये फोन आपको प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा। पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर ही आपको इसकी यूनिबॉडी डिजाइन में मिलेंगे, जिस वजह से इसकी लुक्स काफी इनहांस होती है। लेकिन ग्लॉसी बैक जो बनती है फिंगरप्रिंट मैग्नेट और इसका रियर कैम, जिस वजह से फोन बैच से थोड़ा सा उठा हुआ है, स्क्रैचेस लेने के लिए तैयार बैठा है। वैसे अगर दूसरी तरफ देखें तो इसका लाइट वेट और यूनी आर्क बॉडी डिजाइन की वजह से ये फोन हाथों में एकदम फिट बैठता है। जियोनी E Life E7 को फैबलेट बनाती है इसकी बेहद बड़ी डिस्प्ले। डिस्प्ले की बात आ रही है तो जियोनी ने अपने E7 में दी है 5.5 इंचेस फुल HD रेजोल्यूशन LTPS डिस्प्ले, जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 401 पिक्सल पर इंच की। इंडोर्स में ये डिस्प्ले देती है बेहद बढ़िया आउटपुट। इस डिस्प्ले का टच काफी स्मूथ है, लेकिन आउटडोर में इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ सकती है आपको। ओवरऑल इस डिस्प्ले का आउटपुट बहुत अच्छा है, चाहे आप इसमें मूवीज देखें या गेम्स खेलें, एक्सपीरियंस आपको अच्छा ही मिलेगा डिफरेंट व्यूइंग एंगल्स में भी। और साथ ही इस डिस्प्ले को प्रोटेक्शन मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से। अब चलते हैं इस फोन के अंदर और जानते हैं कितना फास्ट है ये फोन। 2.2 GHz क्वाड कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि ये हार्डवेयर इस टाइम सबसे बेस्ट फोन्स में आ रहा है, और यही हार्डवेयर आपको मिलेगा E7 में, यानी कि बेहद पावरफुल प्रोसेसर, जिस वजह से गेमिंग हो या कोई भी एप्लीकेशन पानी की तरह स्मूथ चलती है। और बेंचमार्क टेस्ट में भी इसने नोट 3 को दिया है बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन। हालांकि E7 के 32GB मॉडल ने तो नोट 3 को बेंचमार्क में पीछे ही छोड़ दिया, क्योंकि उसमें है 2.5 GHz प्रोसेसर। एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स की तादाद इस टाइम पर सबसे ज्यादा है, और E Life E7 भी है एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन। एंड्रॉइड 4.2 जेलीबीन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इस फोन में मिलेगा, जो बेहद स्मूथ चलता है इसके पावरफुल हार्डवेयर की बदौलत, और अमीगो यूजर इंटरफेस आपको बहुत अलग एक्सपीरियंस देगा एंड्रॉइड का। लेकिन यहीं ये डिवाइस थोड़ा सा मार खाता है, क्योंकि इसमें ना तो कोई विजेट्स आप ऐड कर सकते हैं, और कई बार फोल्डर्स में एप्स एक के ऊपर एक आ जाती है, और आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं एप्लीकेशंस को ढूंढने में। अब बात करते हैं E7 की मेन USP की, और वो है इसका कैमरा। इसकी बॉडी के बारे में बताते हुए हमने जिक्र किया था इसके कैमरा का, जो काफी बड़ा सा है, और है इसके ठीक पीछे। वेल, वो कैमरा है 16 MP का, और कैम बेहद ही अच्छा आउटपुट देता है। कलर्स काफी अच्छे आते हैं, पिक्स का रेजोल्यूशन भी काफी अच्छा मिलता है, और लो लाइट कंडीशंस में भी ये कैम काफी साथ देता है। और वहीं इसकी सेटिंग्स में जाके काफी मोड्स आप चेंज कर सकते हैं और कैमरा के अलग अलग फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके फ्रंट कैम की बात करें तो वो है 8 MP का, जो देता है काफी अच्छा आउटपुट। अरे, इसकी मेमोरी के बारे में तो आपको हम बताना ही भूल गए। 16GB की इसकी इंटरनल मेमोरी अपग्रेडेबल नहीं है। 16GB में से आपको मिलेगी सिर्फ 10GB यूज करने के लिए। और बात अगर हम रैम की करें तो बेहद पावरफुल प्रोसेसर वाले इस फोन को सपोर्ट मिलता है 2GB रैम से, और इसके 32GB वर्जन में आपको मिलेगी 3GB रैम। पावरफुल कैमरा, पावरफुल हार्डवेयर और फुल HD डिस्प्ले, इन सबको चाहिए होती है बेहद पावरफुल बैटरी।
और Xiaomi E7 में है 2500 मिली एम्पीयर बैटरी, जो हमें स्टार्टिंग में थोड़ी कम लगी थी, लेकिन इसको यूज करने के बाद हमने अपनी राय बदली, क्योंकि ये बैटरी 14 घंटे तक का बैकअप देती है। चाहे आप गेम्स खेलें या मूवीज देखें या 3G हर टाइम ऑन रखें, इसका बैकअप अच्छा ही मिलेगा। Xiaomi E-Life E7 के प्लस पॉइंट्स हैं इसकी डिस्प्ले, इसका प्रोसेसर, 16 मेगापिक्सल कैमरा और इसकी बैटरी। वहीं इसको लेट डाउन करते हैं सिर्फ दो चीजें, वो है इसका सॉफ्टवेयर और नॉन अपग्रेडेबल मेमोरी। वैसे एक चीज इसका प्लस पॉइंट और बनती है और वो है इसका प्राइस। जी हाँ, इतनी पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन वाले फोन अक्सर 30,000 प्लस के आते हैं, लेकिन 16GB वाला E7 आपको मिल सकता है 25,000 से लेकर 27,000 रुपए के बीच में। वहीं 32GB वाला आपको मिल जाएगा 28,000 से लेकर 29,990 रुपए के बीच में। वैसे देखा जाए तो ये फोन हर जगह बाजी मार लेता है और इसकी स्पेक्स इसे बनाती है वन ऑफ द बेस्ट फोन। वेल, अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है तो इस चाइनीज फोन पर आप विश्वास कर सकते हैं और इसको लेने के बाद शायद आप अपनी राय बदल लें चाइनीज फोन्स के लिए। हमारी तरफ से हम इस फोन को देते हैं 9 stars out of 10। ये है वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन इन इंडिया। वेल फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। अगली बार मिलेंगे और भी बहुत सारे नए गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।